नमस्कार दोस्तों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है दर शो में। आज आप लोगों की द्वारका सेक्टर 3 के बाद बहुत शानदार फ्लैट लेके आया हूँ मैं। एक बार लोकेशन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं सेक्टर 3 द्वारका जस्ट टच में होने वाला है। आप देख सकते हैं मतलब कितना बढ़िया लोकेशन के अंदर आपको यहाँ पे आज फ्लैट मिलेगा, एकदम सेक्टर 3 के बीच में मिलने वाला है और रेट उत्तम नगर वाले होने वाले हैं। ये डीपे स्कूल आपको साथ में मिलने वाला है और मतलब यहाँ से इस मेन रोड से 100 मीटर की दूरी पे आपको 2-3 BHK के फ्लैट मिलने वाले हैं। तो वीडियो के टूर पे लेके जाने से पहले आपको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए फ्लैटों की वीडियो लेके आता हूँ अगर वो आपके सपनों का घर है तो आप उस तक पहुंच सके। और मैं ये कहूंगा कि आज के फ्लैट की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत शानदार फ्लैट होने वाला है आज का। तो चलिए दोस्तों फ्लैट के टूर पे लेके चलते हैं और आपको फ्लैट दिखाते हैं। देख सकते हो अपनी लोकेशन में आ चुके फ्लैट, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए फ्लैट का व्यू कितना अच्छा होने वाला है। मतलब इसके बिल्डिंग का पूरा फ्रंट तैयार हो चुका है, आपको इसके दो साइड गेट मिलते हैं, मतलब एंट्रेंस गेट दोनों साइड पे मिलने वाले हैं आपको, तो आप इधर से एंट्री कर ले या उधर से कर सकते हैं। लोकेशन सोसाइटी दिखाना चाहूंगा, देखिए कितनी बढ़िया सोसाइटी है, मतलब ये फ्लैट सोसाइटी वाला होने वाला है। सामने आप देख सकते हैं मतलब अंदर घुसते ही मतलब 8वां 10वां मकान और बहुत बढ़िया सोसाइटी के अंदर मिलता है। एक बार आप एक लुक दिखा दीजिए सोसाइटी की, आसपास की सोसाइटी कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया होने वाली है। बस अब आइए हम यहाँ से एक बार बिल्डिंग में एंट्री करेंगे, फ्लैट के अंदर लेके चलते हैं। ये हम पार्किंग में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पार्किंग है, कितनी शानदार पार्किंग है। और टाइल्स देखिए पार्किंग के अंदर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन टाइल्स का आपको यहाँ पे मिल जाता है। पार्किंग के अंदर भी आपको 4 सीलिंग मिल जाती है, तो काफी बढ़िया काम के साथ ये फ्लैट आपको मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों फ्लैट पे लेके चलते हैं और आपको फ्लैट दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस 3 BHK के हम ड्राइंग रूम में आ चुके हैं। मैं यही कहना चाहूंगा आपको यहाँ पे दो फ्लैट मिलने वाले हैं, 120 गज का 3 BHK और 110 गज का 3 BHK, मतलब स्पेशियस 3 BHK मिलने वाले हैं। द्वारका सेक्टर 3 के जस्ट साथ में मिलने वाले हैं। उत्तम नगर वैसे भी कनेक्टिविटी होने वाली है और वहां से 1.5 किलोमीटर अंदर होगा और द्वारका सेक्टर 3 से मात्र 100 मीटर की दूरी पे होने वाला है। तो बहुत बढ़िया फ्लैट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा देखिए कितना ह्यूज ड्राइंग रूम है इस 3 BHK का। ये 120 गज वाला 3 BHK होने वाला है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोफा आने के बाद भी आप डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं, तो काफी स्पेशियस होने वाला है। और ये वॉल दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि पूरा वॉल टू वॉल वॉलपेपर लगा हुआ है, कितना शानदार काम है। यहाँ पे आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिल रही है, बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनलिंग का काम कितना शानदार लग रहा है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा ये वॉच, ये देखिए वॉच कितनी शानदार लग रही है। और उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे देखिए फैन और लाइट्स लग चुके हैं, झूमर कितना शानदार झूमर आपको यहाँ पे मिलता है, मतलब काफी बढ़िया काम मिलता है। और झूमर देखिए कितना शानदार लग रहा है। और यहाँ की सबसे अट्रैक्टिव चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ पे आप लोगों को पूजा रूम का भी ऑप्शन मिल रहा है। देखिए कितना बड़ा पूजा रूम मिलता है, आप इसको जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, तो काफी बड़ा और ह्यूज पूजा रूम आपको यहाँ पे मिलता है जो काफी बढ़िया लगता है। और उसी के अपोजिट में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा टीवी पैनल, देख सकते हैं कितना बड़ा टीवी पैनल आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम के अंदर मिल रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, कितनी इसकी लुक को एनहेंस कर रहा है, कितना शानदार टीवी पैनल आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आजकल चल रहा है और बहुत अच्छा लग भी रहा है यहाँ पे। इसके साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं ये किचन की एंट्री, और देखिए एंट्री को कैसे इन्होंने डेकोरेट किया है, तो काफी बढ़िया काम के साथ ये किचन मिलती है आपको। देख सकते हैं पूरी मॉड्यूलर किचन है, पूरे ऊपर नीचे बॉक्सेस लगे हुए हैं, सेंसर वाली चिमनी आपको यहाँ पे मिल रही है, ऊपर ग्लास का भी काम हो रखा है, यहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई है, 4 सीलिंग मिलती है। कितनी शानदार पेंट्री है यहाँ पे किचन के अंदर, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देखिए कितनी बड़ी पेंट्री आपको इस किचन के अंदर मिलती है। और मैं यही दिखाना चाहूंगा, देखिए फिटिंग से यहाँ पे सारी लग चुकी है, ये ऊपर आपकी आरओ की जगह होने वाली है। और ये सही मतलब काफी बड़ा फ्रिज, अगर आप चाहे तो यहाँ पे आता, फ्रिज का स्पेस काफी बड़ा है, काफी स्पेशियस होने वाला है। तो आप देख सकते हैं काफी ह्यूज किचन मिल रही है आप लोगों को, पीछे एक देख सकते हैं पत्थर कितना शानदार लगा हुआ है, नीचे टाइल देख लीजिए कितनी अच्छी लगी हुई, तो काफी बढ़िया काम के साथ ये किचन आपको मिलती है। अब हम इसके पहले बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं, आप एंट्री करते ही बेडरूम देखिए कितना बड़ा है,
मतलब काफी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे मिलता है कि मतलब डबल बेड आने के बाद भी काफी जगह बिछने वाली है, और वॉलपेपर देखिए पूरा वॉल टू वॉल लगा हुआ है जो कितनी शानदार लुक दे रहा है। ऊपर फोर सीलिंग दिखाना चाहूंगा कि देखिए कितनी हैवी फोर सीलिंग मिलती है आपको यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आप लोगों को टीवी पैनल का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो काफी शानदार यहाँ पे काम मिलता है। और स्प्लिट एसी की फिटिंग भी आप लोगों को मिलती है। अब तक के फ्लैट की सबसे खास चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, आकर के आप देख सकते हैं, ये देखिए मतलब ये आप लोगों का एक एरिया अलग से आप लोगों को मिल रहा है। ये आप लोगों को यहाँ पे वॉशरूम का भी स्पेस मिल जाता है, देख सकते हैं ये वॉशरूम का स्पेस कितना बड़ा वॉशरूम आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब काफी बड़ा वॉशरूम है। देख सकते हैं कि वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई है, फिटिंग सारी हो रखी है। यहाँ पे आपको विंडो भी मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डाइवर्टर लगे हुए मिल रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं शावर लगा हुआ है, ये WC आपकी यहाँ पे, मतलब काफी बड़ा ये वॉशरूम मिलता है। और वॉशरूम से मैं जैसे बाहर निकल रहा हूँ ये पूरा एक जगह जा सकता है अलमीरा के लिए और आपके ड्रेसिंग टेबल के लिए अलग से एक जगह बनाई गई है। तो देख सकते हैं ये ड्रेसिंग टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी लेडीज तैयार हो सकती है, ये उन लोगों के लिए अपना जो भी सामान जरूरी सामान रखना है साजो सामान का वो यहाँ पे रख सकती है। बाद में यहाँ पे अलमीरा का ऑप्शन भी है, तो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह आप लोगों को तैयार होने के लिए मतलब अपना सामान रखने के लिए अलग से मिलती है इस फ्लैट के अंदर। अब हम इसके सेकंड बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस रूम के अंदर कितनी अच्छी आपको धूप मिलती है, आप देख सकते हैं कि मतलब सीधा सन फेसिंग वाला ये फ्लैट होने वाला, तो काफी बढ़िया धूप इस रूम के अंदर आ रही है। उसके बाद मैं बात करूं तो ये देखिए रूम कितना स्पेशियस रूम आपको यहाँ पे मिलता है कि बीच में डबल बेड आने के बाद भी कितनी जगह दोनों साइड आपको बचने वाली है। पीछे वो ना वॉलपेपर लगा हुआ है, दोनों साइड में वार्डरोब का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये आपका टेबल लंप या स्टडी टेबल की तरह इसको यूज कर सकते हैं, तो काफी बढ़िया फ्लैट आपको मिलता है। बस फोर सीलिंग दिखाना चाहूंगा कि देखिए कितनी हैवी फोर सीलिंग आपको यहाँ पे मिलती है। उससे आगे बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टीवी पैनल का ऑप्शन भी मिल रहा है जो काफी शानदार होने वाला है। नीचे ड्रॉर्स के भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इसके साथ ही इसमें अटैच वॉशरूम भी आपको मिलता है, और अटैच वॉशरूम भी काफी बड़ा मिलने वाला है। आप देख सकते हैं पूरी वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई है अटैच वॉशरूम के अंदर, मतलब काफी बढ़िया काम है। यहाँ पे शावर मिल जाता है, यहाँ पे आपको डाइवर्टर मिल जाता है, यहाँ पे WC पड़ी हुई है, फिटिंग्स कुछ नहीं लगी है क्योंकि काम चल रहा है, आप जब तक आएंगे आपको सारी चीजें लगी हुई मिलेंगी। अब हम इसके कॉमन वॉशरूम में एंट्री कर रहे हैं। देखिए कॉमन वॉशरूम एक रूम जैसा मतलब स्पेस आपको कॉमन वॉशरूम के अंदर मिलने वाला है जो बहुत ही कम फ्लैट्स के अंदर आपको मिलता है। आप देख सकते हैं ये वॉल माउंटेड फिटिंग्स मिलती है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिटिंग सारी लगी हुई है। टाइल्स देखिए कितनी शानदार लग रही है, जो वॉल टू वॉल टाइल्स होने वाली है। उसके बाद में बात करूं तो देख सकते हैं बाथ का एरिया हो जाता है, ऊपर शावर लगे हुए, नीचे डाइवर्टर लगे, अलग से स्पेस है आप लोगों के लिए बाथ के लिए, और अलग से स्पेस आपके दे रखे WC के लिए। तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा वॉशरूम का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अब हम इसके थर्ड बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं, और आप एंट्री करते देखिए कितना अच्छी धूप आ रही है, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ काफी सन फेसिंग होने वाला है फ्लैट, सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी धूप आपके यहाँ पे रूम तक आने वाली है। और आप देखिए यहाँ पे ये जगह कितनी स्पेशियस है, मतलब आपका बेड आने के बाद भी दोनों साइड काफी जगह बचने वाली है, काफी ह्यूज जगह बचने वाली है। और आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा वार्डरोब का ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइडर वार्डरोब का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ऊपर भी इसके ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं, और ये यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए भी आपको ऑप्शन दिए गए बच्चों का ध्यान रखते हुए। ऊपर फोर सीलिंग दिखाना चाहूंगा कि देखिए कितनी हैवी फोर सीलिंग आपको यहाँ पे मिलती है, मतलब जो काफी बढ़िया काम के साथ है। फिर यहाँ से आप देखिए गेट कितने शानदार लगे हुए हैं, मतलब काफी हैवी गेट है, स्लाइडर गेट है। यहीं से हम अपनी बालकनी में एंट्री करते हैं, और मैं आपको बालकनी दिखाना चाहूंगा कि काफी ह्यूज बालकनी होने वाली है। ये एरिया आप देख सकते हैं आपकी वॉशिंग मशीन का एरिया होने वाला है, यहाँ पे टैप्स लगेंगे, यहाँ पे स्विच लगेंगे, आप कपड़े यहाँ धो सकते हैं, काफी बड़ी बालकनी होने वाली है। आगे टफन ग्लास मिलते हैं, ऐसे स्टील मिलती है। एक बार यहाँ से फ्रंट की लोकेशन दिखाना चाहूंगा मैं आपको, देखिए कितनी शानदार लग रही है, मतलब काफी बढ़िया लोकेशन के अंदर बहुत ही अच्छे ये फ्लैट आपको मिलते हैं। उसके बाद में बात करूं तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं टाइल्स का ऑप्शन है, तो फ्रंट में कभी आपको पेंट कराने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ऊपर पैनलिंग लगी हुई है, तो काफी शानदार काम के साथ ये फ्लैट मिलता है। तो दोस्तों 3 BHK का बहुत शानदार फ्लैट उत्तम नगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, द्वारका सेक्टर 3 से मात्र 100 मीटर की दूरी पे, विवांता रेजिडेंसी के अंदर मिलता है, मतलब काफी बढ़िया काम के साथ ये फ्लैट आपको मिलता है। अगर आप रेट जानना चाहते हो तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपको फ्लैट पसंद आ रहा है आप मुझे फोन कीजिए, अगर फ्लैट लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं, विजिट बुक कीजिए, अगर ठीक लग रहा है तो आकर के देख के ले भी सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 फ्लैट के ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक फ्लैट 110 गज का और एक फ्लैट 120 गज का। जो मैंने टूर कराया वो आज आपको 120 गज का फ्लैट था, बाकी 110 गज का भी फ्लैट एकदम रेडी ऐसे ही होने वाला है, जल्दी से आकर के ले सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की नहीं 1, 2 और 4 की है, मतलब मेरा कहना है 1, 2, 3, 4 कैसी भी कोई रिक्वायरमेंट, आप दर्श होम पे फोन कर सकते हैं, आके देख सकते हैं, पसंद आता है तो फ्लैट ले सकते हैं।
मैं यही कहना चाहूंगा हर फ्लैट पे 80-90% लोन भी अवेलेबल है। अगर आपकी प्रोफाइल ओके है तो दोस्तों जितना रेंट भर रहे हैं उतने में ही आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। जल्दी आइए, फ्लैट लीजिए, पसंद आता है तो अपने घर के मालिक बनिए। दोस्तों चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।